30 किलोमीटर दूर आ रहे हैं यार। तुम्हारा मूड अभी भी सही नहीं हुआ। बात इतनी भी बड़ी नहीं यार, जो तुम मुझसे बात करनी छोड़ दो। यार एक तो तुम्हारे मुंह पे ना ताले लग गए जब से हम गाड़ी में बैठे हैं। हेलो जेंटलमैन, मैं कैसे मदद कर सकता हूँ आपकी? मेरा नाम विक्टर है, मैं किसी कारण यहाँ पर फंस गया हूँ। क्या आप मुझे सिटी तक लिफ्ट दोगे? क्या मैं जान सकता हूँ आप यहाँ इतनी रात को क्या कर रहे हो और आपकी गाड़ी कहाँ है? कोई अधूरा काम था मेरा जो कुछ समय पहले ही पूरा किया है, और मेरे पास कोई गाड़ी नहीं है और मैं यहाँ का रहने वाला नहीं, बस कॉन्ट्रैक्ट बेस मेरा काम होता है। फिर आप शहर से आगे कैसे जाओगे? उससे आगे मुझे मेरे आदमी ले जाएंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बता दीजिए, मैं किसी और को पूछ लूंगा। नो नो डियर, प्लीज कम। आप अकेले हो या साथ में कोई और भी है? मैं अकेला ही काफी हूं। और मैं भी। ये नताशा है मेरी गर्लफ्रेंड, और मैं हैरी। कहाँ से आ रहे तुम दोनों? हम किसी हिल स्टेशन पर गए थे। इतनी रात इस सुनसान इलाके में, लगता तुम लोगों को पता नहीं ये इलाका कितना खतरनाक है और यहाँ के लोग भी। बस होटल से चेकआउट करते करते वरना हम अंधेरा होने से पहले घर होते। मैडम नहीं बात कर रहे, कोई प्रॉब्लम है? नहीं नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, इनका मूड ठीक नहीं, ये बस बोर हो रहे हैं। मैं कुछ प्ले कर देता हूँ ताकि माहौल ठीक हो जाए। तकरीबन 2 बजे के आसपास की ये घटना है। फिरोजपुर के नजदीक आखिरी बार उस काफिल को देखा गया था, वह पिछले 5 साल से पागलखाने पुलिस की निगरानी में था। सुरक्षा में से वह पागल काफिल जो कि पुलिस का पहरा तोड़कर भागने में कामयाब हुआ, उसके फरार होने के बाद सरकार ने रेड अलर्ट जारी किया और चप्पे चप्पे पर चेकिंग शुरू कर दी है।
और आवाजाही को भी बंद कर रहे हैं। उस कातिल के खतरनाक होने का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि उस कातिल को कत्ल करने के लिए खास मकसद की जरूरत है। वह बस शौक के तौर पर अपना टारगेट चुनता और बड़ी ही बेरहमी से उसका कत्ल कर देता है। उस कातिल की कोई खास पहचान नहीं बताई गई, बस पुलिस की तरफ से उसका जो रिकॉर्ड सामने आया वह यह है कि वह अपना पेस बदलने के काफ़ी एक्सपर्ट है। वह अब तक 47 मर्डर्स को अंजाम दे चुका है। सरकार की तरफ से सब लोगों को घर में रहने का आदेश जारी किया गया है। जब तक वह खौफ का दरिंदा कस्टडी में नहीं लिया जाता। और ऐसी ही नेक न्यूज़ के लिए बने रहे आपकी आरजे सिमरन के साथ। आप हमें इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं। ये मुद्दा काफी गर्म हो गया मेरी सोच से बढ़कर। एक काम करो हैरी, गाड़ी अगले मोड़ से बाएं ले लेना। पर क्यों? ये मेन रास्ता ही सही है। यही तो प्रॉब्लम है, अगर मेन रोड से जाओगे तो सिटी तक पहुंचते पहुंचते 10 नाके मिलेंगे, अगर लिंक रोड से जाओगे एक भी नाका नहीं मिलेगा। गाड़ी घुमा दो, तुम्हारा भी भला, बहुत वक्त निकल जाएगा अपना, मान मेरी बात, गाड़ी घुमा दो हैरी। हैरी गाड़ी घुमा दो, मान मेरी बात, तुम्हारा भी भला है, बहुत वक्त निकल जाएगा अपना, मान मेरी बात। गाड़ी घुमा दो हैरी, गाड़ी घुमा दो, मान मेरी बात। निकल, साहब बुला रहे हैं। यही मुक्का मेरे पास। ओह माय गॉड, हे फंस गया। लिसन, ये कुछ बोलना दे मेरे बारे में। हे लिसन ना, सुन क्यों नहीं रहा है ये? हे क्या यार, हे लिसन, कैसा आदमी है ये? बैठो विक्टर। तूने बताया क्यों नहीं कि मेरे पास गन थी?
क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं वही कातिल हो सकता हूँ? मुझे पता है तुम वो कातिल नहीं हो सकते विक्टर। क्यों, तुम इतने श्योर कैसे हो? वो कातिल पागल है और पागल कभी डरते नहीं। फिर वो क्या करते हैं? पागलपन करते हैं पागल। तो तुमने मेरे बारे में क्या बताया जो उन्होंने हम सबको जाने के लिए बोल दिया? मैंने कहा गाड़ी में बैठा लड़का और लड़की गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड है, हम तीनों कहीं घूमने गए थे और वहां इनकी आपसी लड़ाई के कारण हमें वापस आना पड़ा। अगर हम जल्दी घर ना पहुंचे तो इनकी होने वाली शादी कैंसिल हो जाएगी और इनकी बहुत बदनामी होगी। ये तुमने क्यों किया और किस लिए किया? पागलपन के लिए। पर क्यों? मैंने कहा था ना कि वो कातिल पागल है और पागल पागलपन करते हैं, सिर्फ पागलपन। चल मैं तेरे को बाद में फोन करता हूँ। अबे साले, तेरे बाप की गाड़ी है क्या? प्लीज डोंट फाइट हैरी। क्या चाहिए तुझे? तुम्हारी गाड़ी भी और तुम्हारी लड़की भी। ये मेरा 48वां कत्ल था। छोड़ो मुझे। अगर तुम 49 नंबर नहीं बनना चाहती तो चुपचाप गाड़ी में बैठ और कपड़े चेंज कर। जब तक मैं इलाका नहीं पार कर लेता बिना सवाल किए मेरी हम सफर बन के रह। शाबाश 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 शाबाश। क्या नाम था इसका? क्या क्या क्यों बुलाती थी इसको? और तेरा नाम नताशा होगा? मेरा नाम अदिति है। ना, अदिति नहीं, अदिति तो मेरे साथ कोई थी ही नहीं। जिसने मुझे धोखा दिया वो नताशा थी। नताशा। Run.
तो शीनू, शीनू छोड़ दो मुझे हैरी। ना ना, मैं बिल्ला शीनू के बिल्ला दिल जीत। ना 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 ना, मैं शेरा मैं तो पागल, सिर्फ पागल, पागल कुछ भी हो सकता है, कातिल भी और सियाना भी। छोड़ दो बजारी, छोड़ दो। कोई भी नाम ले सकता है और कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। बताए क्यों, बताए क्यों? नहीं यारी। क्योंकि आई एम मैडमैन, मैडमैन। पागलखाने से फरार हुआ था। भले ही तीनों का आपस में कोई संबंध नहीं था, पर वह एक ही रात एक ही आदमी के हाथ से मरे। मर्डर्स का यह मामला नहीं रुक रहा, देखते हैं कब तक पुलिस अपना काम करेगी और उस मुजरिम को सलाखों के पीछे कैद करती है, जो अब दहशत का माहौल पैदा कर रहा है। यह जानने के लिए देखते रहे हमारा चैनल कि अब पुलिस क्या करेगी और पागल क्या करेगा।